हेलो। हाँ लक्ष्मण साहब, दिस इज़ नवाज, सेल्थी ऑफिस से बोल रहा हूँ। इस ऑपरेशन के लिए आपने एक नया ऑफिस सेटअप कर रखा है, वहाँ आप सिक्रेसी मेंटेन कर सकेंगे? I understand your anxiety, Nawaz. लेकिन the fact is कि जिस ऑपरेशन में मैं अभी बिजी हूँ वो काफी खतरनाक है और हमारे रेगुलर सेल 3 हेडक्वार्टर्स का एक्सपोज होने का हल्का सा चांस है। And that is why I have shifted. ये मैंने अपना एक कैंप ऑफिस सेटअप किया, if you like. Now do you understand? आपको समझना इतना आसान है क्या? Anyway, wish you best of luck. पता नहीं माथुर बात भी कर पाएगा या नहीं। नो 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 नो, उसे बात करना ही पड़ेगा। सीडी उसने दिया किसे, ये सिर्फ वही बता सकता है। आखिर वो सीडी गया कहां? ना वो माथुर के पास मिला, ना उस आदमी के पास जो एक्सीडेंट में मारा गया। मैं और ज्योति तो लगातार डॉक्टर माथुर के पीछे थे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम लोग एक डेड एंड में फंस गए थे। कहीं इसी बीच माथुर किसी तीसरे आदमी से तो नहीं मिला? सही, तुमने उस गाड़ी को कहां तक ट्रेस किया? दोबारा मैंने माथुर, हाँ राकेश, शिट, ये बात मैं भूला कैसे? दोबारा मैंने माथुर को एक एसटीडी बूथ के पास से एक बिल्डिंग में जाते हुए देखा। कहीं वो कोई फोन कॉल? हाँ हाँ, वो एसटीडी बूथ के पास से नहीं, बूथ के अंदर से भाग के निकल रहा था। उस बूथ पर बैठे लड़के ने बताया कि वो एक लोकल फोन ट्राई कर रहा था, एंगेज था, बात नहीं हो पाई, बिना बात किए निकल गया। मतलब माथुर के अलावा हमारे पास अब और कोई सुराग नहीं? जो आदमी एक्सीडेंट में मारा गया उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल उसकी शिनाख्त के लिए हमारे पास 3 क्लूज हैं। एक वो गाड़ी जो कि रेंटेड थी, एक तस्वीर और एक पेट्रोल बिल। माथुर तो हमारे कब्जे में है ही, बेहतर यही होगा कि हम उस आदमी के बारे में पता करें। मतलब शायद हो सकता है पेट्रोल बिल ही काम आ जाए। जिस इलाके से उसने पेट्रोल लिया, हो सकता है उसका ठिकाना कहीं आसपास ही होगा। तो फिर लग जाते हैं काम पे? तुम मेरे साथ रहोगे? Then it's your responsibility, Verma. Okay? Okay. बेफिक्र। I'm sorry. आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। Oh, it's all right. सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में आप काफी परेशान लग रहे थे फोन पर, अब खुद ही देख लीजिए। हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया, एडिशनल सपोर्ट भी मांगा है हमने। अच्छा डॉक्टर, आप स्कैनिंग के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, एक्चुअली एक रीस्कैनिंग करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा ये बताइए, वो कब तक बात करने लायक हो जाएंगे? इस वक्त कह पाना मुश्किल है। क्या कोमा का खतरा अभी तक बना हुआ है? एक हद तक। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सारी दवाइयों के प्रति एलर्जिक है, और आप ये तो अच्छी तरह समझते होंगे कि सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम काफी नहीं है, उसे इन्फेक्शन से भी बचाना है। तो मतलब अभी बात करने से कोई फायदा नहीं? नहीं, वैसे अभी अभी डीसीपी डिटेक्टिव का भी कॉल आया था, वो भी मिलना चाहते थे, मुझे इनकार करना पड़ा। ओके डॉक्टर, जैसे ही उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो हमें कॉल कर दीजिएगा। ओके ओके, बेशक बेशक, मैं फोन कर दूंगा। थैंक यू। ड्यूटी पर वापस कब आ रहे हैं, लंच के बाद? सर मैं बहुत थक गया हूँ, 2:30 बजे तक आऊँ तो। कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं उसे? अभी तक तो नहीं, मगर his left ear drum has gone. शर्मा जी, हर 1 घंटे पर उसका रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके। कल दोपहर तक दिल्ली से भी एक टीम आ रही। टीम?
डॉक्टर्स टीम? नॉट रियली, मेनली डिफेंस पीपल और कुछ उसके कलीग, एक स्पीच थेरापिस्ट भी होगी। सर, जहां तक इलाज का सवाल है, हमें कोई बाहरी दखलंदाजी की ना तो जरूरत है और ना ही। शर्मा जी, ये मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, कोशिश करके 2:30 बजे तक आ जाइए। ओके ओके, आई ट्राई। पिंटू का घर? जी हाँ। आपके पुलिस वाले हैं? कितने दिनों से था वो यहाँ? यही कोई 1 महीने से। मैं अकेली औरत यहाँ रहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। Thank you.
मॉर्निंग मैडम, इट्स 6:45. आपकी चाय भिजवा दूं? यस प्लीज. रेगुलर और लेमन टी? रेगुलर. थैंक यू. नाश्ता कर ले बेटा. बस एक कप कॉफी दे दो माँ. क्या कहा? मुझे नाश्ता नहीं चाहिए माँ. अरे इतनी मेहनत से मैंने तेरे लिए चीज सैंडविच बनाया और अभी नाश्ता नहीं चाहिए? हुआ क्या है तुझे? कल रात को भी कुछ नहीं खाया? हेलो. हाँ ज्योति. हाँ एक मिनट होल्ड करना. एक माँ मुझे भूख नहीं है. तुम क्यों बार बार जिद कर रही हो प्लीज? हाँ. भूख लगेगी कैसे? कल रात को बिल्कुल दुख था, याद है कुछ? तेरे बाबूजी भी ऐसा ही करते थे. कितना कहती थी, कभी सुना नहीं. माँ ये बात मैं 365 बार सुन चुका हूँ, अब तो बस करो प्लीज. हाँ ज्योति. हाँ कल बार बंद होने तक मैं वहीं पे था. नहीं वो वर्मा से तो बात नहीं हो पाई. ज्योति ज्योति एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है. हाँ तुम मेरा वेट करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ. कुछ मत पूछो ज्योति, बस तैयार हो तुम, मैं आ रहा हूँ. अरे हुआ क्या, मुझे भी तो बता. मिल गया माँ, मिल गया. क्या मिल गया? पता नहीं क्या मिल गया. बावला है, बिल्कुल बावला है. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. आपकी चाय और एक फैक्स भी है मैडम, कल देर रात से आई थी. पिंकी बेटे, मैंने फोन भी किया था, तुम होटल में नहीं थी. आशा है तुम अच्छी होगी. मुंबासा में मौसम बहुत अच्छा है, टूरिस्ट सीजन होने के कारण मैं बहुत व्यस्त हूँ. तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, कल मुझे फ़ोन करना, भूलना नहीं. ढेर सा प्यार, तुम्हारा मामा. चाय बना दूँ मैडम? हाँ. Operator? Yes, ma'am. Yeah, this is room 606. I'd like to book a call to Mombasa, Kenya. Yes, ma'am. Country code 254, city code 11, and the number is 665423. A little urgently, please. Milk, madam? Yes. Sugar? One spoon. Thank you. कल रात ना जाना मैडम, क्या हुआ? पुलिस वाले आए थे, कुछ इंक्वायरी कर रहे थे. क्या इंक्वायरी कर रहे थे? वो बात यह है मैडम कि कल ईडन गार्डन के पास कोई आदमी किसी का मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहा था. काफी तेज चला रहा था, बस हो गया एक्सीडेंट ट्राम के साथ, एकदम स्पॉट डेड, खत्म. तो पुलिस यहाँ क्यों आई थी? सुना है कि एक्सीडेंट करने से पहले वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, जोर जोर से किसी होटल का नाम ले रहा था. होटल सनराइज या सनशाइन कुछ पता नहीं. उस मोटरसाइकिल वाले के साथ एक लड़की भी थी, उसने उसे बात करते सुना था. पुलिस होटल सनशाइन और सनराइज में भी गए, फिर यहाँ भी आए थे.
पर उन्हें कुछ मिला नहीं। आपसे एक बात पूछूं मैडम। क्या बात? आप नाराज तो नहीं होंगी? क्या? मुंबासा अफ्रीका में है ना? वहाँ ढेर सारे होटल भी हैं। आपके अंकल का वहाँ बहुत बड़ा होटल भी है ना? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? वो आपका कल रात फैक्स आया था ना, रिसेप्शन वाले आपके बारे में बात कर रहे थे। मैडम मैं यहाँ सड़ रहा हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं बढ़िया जील लगा कर काम करूँगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैडम सुनो सुनो, वहाँ एम्प्लॉयमेंट इतना आसान नहीं है। मैं वाला तो नहीं करती, मगर अंकल से बात करूँगी। ओके राकेश, तुम्हारा प्लान क्या है? कैन यू टेल मी प्लीज? ज्योति बस थोड़ी देर के लिए तुम एक सुशील भारतीय नारी बन जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। What? वैसे इन कपड़ों में तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखो। और अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया तो? अरे यार, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। रुकिए फिर, ये जो सामने फोटोशॉप है वहां से एक फिल्म रोल ले आओ। मगर क्यों? तुम सवाल मत करो ज्योति, शट अप लिसन एंड लर्न। एक फिल्म रोल, गो नाउ। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट? मिसेस मिचंदानी, कौन है आप? अरे भूल गई आप, कल ही तो मिले थे हम ईडन गार्डन्स में, और मैंने आपकी एक फोटोग्राफ भी ली थी। ईडन गार्डन्स? अरे हाँ हाँ, याद आया, ग्रुप फोटोग्राफ। I'm so sorry, I forgot. No. Please come in. Please come. वो तो इस वक्त घर पे नहीं है, मेरे पिताजी से मिले आप। बैठे बैठे बैठे। नमस्ते, मैं राकेश। और ये तुम्हारी मिसेस, मैं ठीक बोला ना? हाँ मिसेस मिर्चंदानी, असल में आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी है हमारी कलर लैब की। पूरा एक साल हो गया दुकान खोले हुए, और ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, और आज के दिन हम अपने कस्टमर्स को एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। अगर आज आप हमें प्रोसेसिंग प्रिंटिंग के लिए कोई भी रोल देंगे तो सीधा 50% डिस्काउंट, और साथ में एक कलर रोल बिल्कुल मुफ्त, प्लस होम कलेक्शन एंड डिलीवरी 4 घंटे के अंदर। फैंटास्टिक, लेकिन ऐसे ही तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप जैसे कस्टमर्स भी तो मिलेंगे सर। और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। मिसेस मिर्चंदानी, आपके पास भी तो एक रोल है, वो ईडन गार्डन्स वाले पिक्चर्स। पिक्चर बाद में, पहले कुछ चाय वाय पीजिए। नहीं, फिलहाल तो सिर्फ आप हमको रोल दे दीजिए, हम जरा जल्दी में। हाँ हाँ, रोल जल्दी लेके आओ, 50% डिस्काउंट है, अच्छा मौका है। हाँ हाँ, लाती हूँ। और ये रहा आपका गिफ्ट। गिफ्ट यानी मुफ्त, बाद में पैसे नहीं मांगोगे? बिल्कुल नहीं, और पिक्चर भी आपको 4 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, ये लीजिए आपका रोल, और शाम को आइए, चाय वाय पी के जाइएगा। थैंक यू। दिस इज योर लेटर सर, प्लीज साइन। थैंक यू सर। वो फ्रेट सेक्शन ने सर इन्वेंटरी नोट भेज दिया है। और इंश्योरेंस पेपर्स? नहीं सर, वो हुआ नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है सर। तो फिर से रिमाइंडर दीजिए उन्हें, उनसे कहिए कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट की एक कॉपी भी भेज दें। ठीक है सर। और देखिए, निहाल ने अगर लेटर कंप्लीट कर लिया हो तो उसे मेरे पास आने को कहिए। ओके सर। हेलो, इज इट होटल शालीमार? क्या आप बता सकती हैं कि मोनिका रॉय किस रूम में ठहरी है? हेलो
निहाल सर, सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो चलो मैं आता हूँ। ओके। शांति, अब तक कितना काम हुआ? अब तक कुल 30 ऐसे होटल मिले हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है। तुमने उन्हें कॉल किया? हाँ, 9 लोगों से बात हुई, लेकिन वहाँ मोनिका नाम की कोई लड़की नहीं है। कीप ऑन ड्राइंग, कोशिश करते रहो, और तुम्हें मालूम है ना क्या कहना? वैसे उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने मुझे पहले ही बता दिया था। ओके, कीप ऑन ड्राइंग। निहाल, मेरी समझ में एक बात नहीं है कि पिंटू ने उस चीज को एक अनजान लड़की को क्यों दिया। इसका मतलब आपको अभी भी शक है कि वो लड़की अनजान थी या नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, पर मुझे ये कुछ अजीब सा लग रहा है। वैसे तुम्हें ठीक तरह से याद है ना कि होटल का नाम एस से शुरू होता है? हाँ, वो जिस जगह से बात कर रहा था वहाँ काफी ट्रैफिक का नॉइज था, और बार बार चिल्लाकर कह रहा था एस फॉर सनी, एस फॉर सनी, और रिपीट करता जा रहा था। हाँ, लेकिन मैंने उस लड़की का नाम साफ साफ सुना था, मोनिका। तुम लो, शर्मा आ गया, अभी तुम जाओ। फोन क्यों नहीं किया शर्मा? अरवाल साहब, मैंने आधे घंटे तक आपको फोन में ट्राई की, मगर आपके सारे फोन एंगेज थे एंड योर मोबाइल वाज आल्सो स्विच्ड ऑफ। खैर, मैंने आपका काम कर दिया है, मगर डर है कि कहीं बेडशीट बदलते हुए नर्स की नजर न पड़ जाए। खबर क्या है, अच्छी या बुरी? उसकी तबीयत में काफी तेजी से इंप्रूवमेंट हो रही है, मगर वो सुपरिंटेंडेंट जानबूझ के ये बात छुपा रहा है। और अगर उसकी तबीयत में इंप्रूवमेंट हुई तो वो बात भी करेगा। होटल संडे, क्या आप बता सकती हैं मोनिका रॉय किस रूम में ठहरी हैं? व्हाट, पार्डन प्लीज, 606। कुछ नजर आ रहा है? नहीं, सब कुछ बहुत धुंधला सा है। तुमने फोकस ठीक से नहीं किया भैया। कम ऑन वुमन, ये सब तस्वीरें मैंने थोड़ी ना खींची, इसे देखो। क्या मतलब, ये लड़की मीरचंदानी फैमिली के साथ बात कर रही थी? ये लड़की तो मुझे चाहिए ही चाहिए। व्हाट? मेरा मतलब हमें चाहिए। ऑपरेटर, या दिस इज 606, व्हाट्स हैपेंड टू माय मुंबासा कॉल? बिजी, इतनी देर हो गई अब तक। लगातार ट्राई कर रही हूं, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, फिर से ट्राई करती हूं। लुक, दिस इज वेरी अर्जेंट, ओके? या हरी अप। एक्सक्यूज मी मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी, यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स सर, प्लीज सिट डाउन। मैडम, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? नो सर, जस्ट फ्यू मिनट्स। डॉक्टर सेन, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, आप बोलते क्यों नहीं? अग्रवाल, एक्साइटेड क्यों हो? दिल के मरीज हो तुम, तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। अरे, मेरी सेहत को छोड़िए, ये मामला काफी गंभीर परिस्थिति में है। चीटियों को देखा है तुमने? बारिश के पहले
घर लौटने के लिए सारी चीटियां कतार बना लेती है। क्यों? डर से। लेकिन हर वक्त बारिश नहीं होती। लेकिन फिलहाल ये मामला तो बोलते ज्यादा सुनते कम हो, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। सिंडिकेट के लोगों को बारिश रोकना पड़ता है, और बारिश छुपने जाओगे कहां? हमारा तो कोई घर भी नहीं है। क्या मतलब? तो मेरे 32 लाख रुपए, तेरा मेरा उसका सिंडिकेट में ये सब नहीं चलता। हमारा एक टीम एक ट्रेन, सपना अच्छा हो या बुरा हो सबको साथ ही देखना पड़ेगा। निहाल तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। किसे को लाए हो साथ में? भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं, जो दिखता है हमेशा वही असलियत नहीं होती। दरअसल मामला इतना नाजुक था इसलिए मैं उसे साथ लेता आया। वैसे डॉक्टर सेन, आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि माथुर की हालत में काफी सुधार हो रहा है। इसमें घबराने की क्या बात है? अब क्या कहते हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि इससे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमारा सारा प्लान यानी आपका सारा प्लान उलट पुलट हो गया है। उधर वो पिंटू की मौत का इल्जाम थलीम भाई हम पर लगा रहा है। पिंटू ने खुद ही सारा मामला खराब कर दिया। और एक पागलपन, पागलपन, पागलपन ही इस खेल की एक ऐसी चाल है जिसकी कोई काट नहीं। जब प्रेशर बहुत बढ़ जाए कभी कभी पागलपन ही हारी बाजी को जीत में बदल देती है। और अच्छी खबर यह है कि तुम्हें होटल का पता चल गया। अरे आपको कैसे मालूम? जैसे तुम्हें पता चला वो लड़की के बारे में, एनआरआई स्टूडेंट है, सनबीम होटल में ठहरी है। अरे तो हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। शांति अग्रवाल, शांति। ठंडे दिमाग से काम लेने से वक्त बर्बाद नहीं होता। मैंने पैट्रिक ली से बात कर ली है, वो इंडिया में और कुछ दिन ठहरेगा। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज। मैं तो इसी डेडलाइन को लेकर काफी परेशान था। नथिंग ग्रेट, उसे राजी होना ही था। उसका भी पूरा कैरियर दांव पर लगा हुआ था। अब सवाल यह है कि लड़की का क्या करें हम? मुझे लगता है सीडी अभी भी उसी के पास है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो वो लड़की बताएगी सीडी कहाँ है। जल्दी ले आए फोटोग्राफ्स। मार्केट इतना कंपेटिटिव है, ये सब तो करना ही पड़ता है। कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगती है ये लड़की। आपकी बेटी है? नहीं नहीं, ये मेरी बहन की बेटी है। बहुत अच्छी लड़की है रूपा, मगर बहुत जिद्दी है। किस स्कूल में? लमाट्स में है, स्पोर्ट्स चैंपियन है। वाह, मेरी कजन भी लमाट्स में है, 6th स्टैंडर्ड में है। मेरी रूपा 9th स्टैंडर्ड में है। एक्सक्यूज मी, आप रूपा मिर्चंदानी को जानती हैं 9th स्टैंडर्ड में? मैं तो 7th स्टैंडर्ड में हूँ। यस सर। कहाँ हो इस वक्त? बहुत आवाज आ रही है। सर मैं इस वक्त लामार्ट्स फॉर गर्ल्स में। लड़कियों के स्कूल में तुम क्या कर रहे हो? वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैसे ज्योति भी मेरे साथ में। अच्छा सुनो, अभी अभी वर्मा ने मुझे फोन किया था, ट्राम एक्सीडेंट में मरने वाले आदमी के बारे में उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सुराग मिला है।
मुंबई पुलिस ने उस आदमी की शिनाख्त कर ली है। वो सलीम भाई का खास आदमी था। सलीम भाई? सलीम भाई हेड्स अ गैंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। सिंडिकेट ने उस गैंग को हायर किया है। कैलकटा में उनका यह पहला ऑपरेशन है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल राकेश। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, या तुम में से कोई रूपा को जानता है? 9 स्टैंडर्ड में रूपा मिर्चंदानी। ओ वो रूपा, वो तो बास्केटबॉल टीम में है। मैच चल रहा है, वो वहीं मिलेगी। ओके थैंक यू। या नो इट हैज टू बी अ कंफर्म टिकट फॉर दिस इवनिंग्स फ्लाइट। यस मैम, निश्चिंत रहिए, आज की टिकट मिल जाएगी। इज दैट अ प्रॉमिस? बिल्कुल। एंड हाउ डू आई कलेक्ट द टिकट? घंटा भर में हमारा आदमी आपका होटल पहुंच जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ पेमेंट तैयार रखिएगा। Thank you very much. अरे उधम, उसे हटा यार। आ रहा हूँ। तू 606 में जा रहा है क्या? यार वो मैडम बहुत चाय पीती है। ये बड़े लोग के लाइफ में बहुत टेंशन होता है क्या? अरे वो मैडम फॉरेनर है। ओ, अमेरिका से आई है क्या? नहीं, उनके अंकल का अफ्रीका में बहुत बड़ा होटल है। ओ, अफ्रीका? ये अफ्रीका अमेरिका दोनों पास पास है क्या? नहीं गधा, कभी स्कूल नहीं गया क्या? अरे अफ्रीका लंदन के पीछे है। मैंने मैडवी मैडम से कहा, मैडम हम भी फॉरेन में काम करेंगे। मैडम बोली अपने अंकल से बात करके बताएगी, देखें क्या होता है। या मैडम आप अरे अरे आप लोग कहाँ चले जा रहे हैं? दिखता नहीं है गेम चल रहा है। आई नो मैम, सॉरी बट मुझे उस लड़की रूपा से मिलना था। इट्स वेरी अर्जेंट। बट देन यू कांट डू दैट। वे सॉरी मैम, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी चाबी, मैं उसका अंकल हूँ। हाँ, सुबह वो मेरी चाबी के साथ खेल रही थी और मुझे ऑफिस जाना था, तो देखा कि वो स्कूल निकल गई है और मेरी चाबी नहीं थी। अब मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है और मैं लेट हो रहा हूँ। देखिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं उसका अंकल हूँ। जो कुछ भी हो, लेकिन एक्सक्यूज मी रूपा, यस कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? श्योर। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आप अभी नहीं। इसका नाम क्या है? बात क्या है? मुझे इसे एक बहुत जरूरी खबर देना है, इसकी फैमिली के बारे में। इसका नाम मोनिका है। ऐसी और कहाँ मिलेगी ये इस वक्त? ये तो पता नहीं, शायद वो किसी होटल में ठहरी है। कौन से होटल में? ये तो याद नहीं है, शायद होटल सनशाइन। नहीं, होटल सनबीम। हाँ, होटल सनबीम। सनबीम। मोनिका होटल सनबीम। यस मैम, मैंने आपके एसटीडी और एसटी बिल्स भी कैलकुलेट कर दिए हैं और लॉन्ड्री बिल भी। आप चेकआउट कब करना चाहेंगे मैम? आई एम वेटिंग फॉर योर लॉन्ड्री मैन। मैम वो आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। ओके, फिर आप बाकी के बिल्स तैयार रखिए प्लीज। यस मैम, थैंक यू, बाय। एक्सक्यूज मी, आई एम आरके जायसवाल। यस, आपने आधे घंटे पहले फोन किया था। जी हाँ। यू बुक्ड अ रूम सर? यस, मुझे टॉप फ्लोर में एक रूम चाहिए। सॉरी सर, इस वक्त तो टॉप फ्लोर पर कोई भी कमरा खाली नहीं है।
हाँ, एक आध घंटे में एक रूम नंबर 606 खाली होने वाला है। आई थिंक यू कैन चेक इनटू दैट सर। यू सेड 606? यस सर। ओके, आई विल टेक इट। आई एम एट कॉफी शॉप, आप मुझे बता दीजिए। ओके, अच्छा तुम यही रुको, कीप अ वॉच है, तुम मेरे साथ चलो। ज़्यादा नाटक नहीं करना समझे? ऑलराइट। मोनिका रॉय। यस। घबराइए मत। We are from Detective Department, Calcutta Police. देखिए कल रात को हमने एक आदमी को अरेस्ट किया था गवर्नमेंट के कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चुराने के आरोप में। मुंबई की पुलिस भी उसे तलाश रही थी। पूछताछ के बाद उसने हमें बताया कि वो सीधी आप ही के पास है। देखिए उसी आदमी ने हमें आपके इस होटल का एड्रेस दिया था और ये भी कहा था कि आपको इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। हम जानते हैं वो सच कह रहा है क्योंकि हम पुलिस वालों को तुरंत पता चल जाता है कब कौन सच कह रहा है या झूठ। हम आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। डॉक्यूमेंट्स बरामद कैसे होगा ये तो हम अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। कभी कभी हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आप जैसे इनोसेंट लोगों को ऐसे मामले से बिल्कुल दूर रखें। प्लीज आप हमें वो सीडी दे दीजिए ताकि हम का मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया। चिल्लाना मत, ना तो मैं अपना वक्त बर्बाद करना पसंद करता हूँ ना किसी और का। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से सीडी दो। क्विक, व्हाट सीडी? मैं कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहा हूँ, निकालो उसे। मुझे नहीं पता आप किस चीज की बात कर रहे हैं। क्या खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ उसे ढूंढो। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एडन गार्डन में साथ में तुम्हें क्या दिया था? लव लेटर। मैं कोई ईडन गार्डन नहीं गई थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया था। प्लीज लेट मी गो, प्लीज छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले हमें वो सीडी तो मिल जाए, इसके बाद हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट दैट सीडी, यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे नहीं पता आप किस चीज की बात कर रहे हैं। वैसे तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो और खूबसूरत भी हो। ये झूठ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। Just listen to me. No, no, you listen to me. I'm completely innocent. I'm a Canadian citizen. मुझे ये सब झंझट से कोई फायदा नहीं, okay? आप innocent हैं। कनाडा से आई, आपकी विदेश यात्रा काफी सफल रही होगी, हैं? एक बात बताइए, ये सीडी आप किसे बेचना चाहते हैं? क्या बकवास है? Shut up! बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं मैं। देखो मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आया। हमारे आदमी ने तुम्हें सीडी दी, रिक्वेस्ट की थी तुम्हें अपने पास रखने के लिए। अब तुम अच्छी तरह से जानती हो वो आदमी जिंदा नहीं। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे प्लीज बता दो वो पैसे तुमने कहाँ रखे, इसी का मैं नहीं। हाँ
ऊपर टेरेस पर है, मैं डर गई थी, सोफा रख दिया। हाय, यस मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं मोनिका से मिलना चाहती हूँ, मोनिका रॉय, इट्स वेरी अर्जेंट। कोई फोन नहीं उठा रहा है, शायद वो बाथरूम में है। आप लोग बैठिए ना प्लीज, मैं 5 मिनट में फिर से कॉल करती हूँ। मैं खुद उनके रूम में चली जाऊँ? नहीं, उन्हें काफी जल्दी है, वो किसी वक्त नीचे आ सकती हैं। कहाँ जाने की? वो होटल छोड़कर जा रही हैं। माय गॉड, इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे उनको कुछ देना है, अगर उनकी पैकिंग खत्म हो गई तो। ठीक है, आप ऊपर चली जाइए, 6th फ्लोर, रूम नंबर 606। थैंक यू। तुम फिर से देर से पहुंची ज्योति, वो तो निकल चुकी है यहां से। But she hasn't checked out. सिर्फ 4-5 मिनट की देर हो गई।